हे गाइस, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे प्रोफाइल में स्वागत है। तो ये है माँ होने के बाद मेरी जिंदगी का फर्स्ट ब्लॉग अपना बेबी के साथ। तो सुबह उठ के ब्रश कर लिया मैंने एंड थोड़ा सा बेसन के साथ ना अपना फेस वॉश कर रही हूँ। तो मेरा बेबी सुबह सुबह उठ गए थे, तो अपना बेडशीट चेंज करने के बाद उसका बेड मुझे रेडी करना है। तो उसका बेड रेडी करने के बाद उसको थोड़ा सा मैंने लेटाया, उसके बाद मैं उसको लेके आ गई छत पे। तो न्यू बॉर्न बेबीज को ना धूप दिखाना बहुत जरूरी है, इससे ना उसका जॉन्डिस होने का चांस भी नहीं रहता है। तो अब उसके बाद उसको भूख लग गया था तगड़ा, तो वो रो रहा था एंड उसको फीड कराने के लिए मैं वापस आ गई रूम। तो अभी मैं उसको बोतल फीडिंग कर रही हूँ, बट इस बोतल से ना मैं उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क ही दे रही हूँ। मैंने ऑलरेडी पंप करके इसको स्टोर करके रखी थी। तो फीडिंग के बाद बेबीज को बर्प करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको बहुत गैस बनता है, उससे न्यू बॉर्न बेबीज को ना कॉलिक के इशू भी आ जाते हैं। तो उसको गोदी में लेते हुए मैंने ना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। तो माँ होने के बाद ब्रेकफास्ट का टाइमिंग भी उसके अकॉर्डिंग चलता है मेरा। उसके बाद मैं एक कॉपी मेंटेन करना चालू किया, जिसपे मैं नोट करती रहती हूँ कि मेरा बेबी कौन सा टाइम पे कितना टाइम के लिए सोया, कितना फीड लिया, कितने बार सुसु एंड पॉटी किया, ये सब। तो न्यू मॉम हूँ तो अपना बेबी का जो रूटीन है उसका थोड़ा क्लैरिटी मुझे मिलता है। उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट ब्रेकफास्ट कर लिया एंड मैंने नहा लिया। तो नहाने के बाद स्किन केयर तो जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए स्किन केयर में कभी नहीं छोड़ सकती। तो खुद तो रेडी हो गई, अब मुझे मेरा बेबी को भी रेडी करना था क्योंकि उनका भी नहाने का टाइम आ गया। तो फर्स्ट 15 डेज के लिए उसको बस मैं स्पंज करूंगी, तो थोड़ा गुनगुना पानी से ना उसको मैं अच्छे से स्पंज कर देती हूँ। तो मेरा जो न्यू बेबी है ना, इसको नहाना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं जब तक इसको स्पंज करती रहती हूँ ये कंटिन्यूअसली रोते रहते हैं। आई डोंट नो कब तक ये ऐसा करेगा। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, प्लीज कमेंट करके बताना, तो मुझे थोड़ा सा ना आइडिया मिलेगा। तो स्पंज करने के बाद ना उसको अच्छे से मैंने टॉवल से ड्राई कर लिया नहाने के बाद। अब उसको फीडिंग का टाइम हो गया है, तो इस टाइम ना मैं उसको चम्मच कटोरी के साथ फीड करवा रही हूँ। तो डॉक्टर ने बोतल फीड करवाना जितना हो सके कम करने के लिए बोला है। तो फीड करने के बाद उसको मैंने अच्छे से बार भी करवाया। तो मैं ना ट्राई करती हूँ कि आफ्टर फीडिंग उसको डायरेक्टली ना सुलाऊं, उससे ना उसको वॉमिट हो सकता है। तो उसको गोद में लेके ना मैं ऐसे ही टहलती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो शाम को ना उसका पापा आ गए थे ऑफिस से, उसके बाद उसका पापा उसको देखते हैं, अच्छे से उसको फीड करवाते हैं, उसको बर्फ करवाते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही चल रहे लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय।